वैसे दोस्तों वन प्लस नॉर्ड 2T जो है वो मेन कर रहे हैं सैमसंग जी फोल्ड 4 एंड जी फ्लिप 4, इसके जो डिजाइन हैं वो। चलिए दोस्तों चालू करते हैं आज की भी टेक न्यूज। देखिए आउटडोर्स हैं, आपको पता है दुबई में आए हुए हैं। वैसे दोस्तों टेक न्यूज़ की जो फ्रीक्वेंसी है ना वो कम करने वाले हैं ऐसे मैं सोच रहा हूँ, क्योंकि हर रोज़ इतनी ज़्यादा खबरें होती नहीं है एंड व्यूज़ भी इतने ज़्यादा नहीं आ रहे, शायद खबरें कम होने की वजह से शायद हो रहा है। तो हमने सोचा कि ऑल्टरनेट डे वगैरह करें हम टेक न्यूज़। ज़रूर बताएगा नीचे आपको इसके बारे में क्या लगता है। इनफैक्ट मैं पोल डालने वाला हूँ, तो ज़रूर पोल में पार्टिसिपेट कीजिए, बिकॉज बेसिकली आई वॉन्ट यू टू बी इंटरेस्टेड। और हम हमेशा कोशिश करते हैं कि इंटरेस्टिंग बने टेक न्यूज़, लेकिन कभी कभी नहीं होती है, फाइनली टेक न्यूज़ है तो बोर हो जाते हैं लोग। तो आप बताइए किस फॉर्मेट में हमने कैसे करना चाहिए, किस फ्रीक्वेंसी के साथ करना चाहिए, ज़रूर बताएगा। चलिए दुबई से पहली न्यूज़ जो है वो आती है गूगल की तरफ से। गूगल आयो हो गया है दोस्तों, गूगल 6A जो है वो लॉन्च हो गया है। 6.1 इंच की स्क्रीन है, 60Hz टेंसर चिपसेट, वो सभी पता है हमें। इसकी प्राइस इंपॉर्टेंट थी, $449 प्राइस आई हुई है। इसका मतलब कन्वर्ट करते हो तो अराउंड 35,000, मेरे हिसाब से 35-40 के बीच में होगा, अराउंड 40,000। साथ में पिक्सेल बड्स प्रो भी लॉन्च हुए हैं दोस्तों $199 के, मतलब कुछ 15,000-15,500 रुपये। अब देखते हैं ये इंडिया में आने वाले नहीं, पता चल जाएगा। पिक्सेल 7 एंड पिक्सेल 7 प्रो भी शोकेस किया हुआ है, जी हाँ, उसमें अपडेटेड कैमरा मॉड्यूल होने वाला है, ट्रिपल कैमरा सेटअप होगा प्रो में, डुअल कैमरा सेटअप होगा पिक्सेल 7 के अंदर। सो इंटरेस्टिंग बहुत सारी चीज़ें। पिक्सेल टैब आने वाला है 2023 में, जी हाँ, पिक्सेल टैब आ रहा है, सो टैबलेट इज कमिंग फ्रॉम पिक्सेल एज वेल। तो बहुत सारी चीज़ें अनाउंस हुई है गूगल आयो में। वैसे एंड्रॉयड 13 के बारे में भी खबरें आई हुई हैं, जी हाँ, अभी मल्टीपल फोन्स में एंड्रॉयड 13 अवेलेबल हो गया है, तो लिस्ट दे रहा हूँ स्क्रीन के ऊपर, ज़रूर देखिएगा। वैसे बात करते हैं आज के वीडियो की, एंड दो वीडियो किए हुए, एक तो मोटो एज 30 की अनबॉक्सिंग की हुई, मेरे हिसाब से वन ऑफ द बेस्ट फोन्स, अराउंड 30,000, ज़रूर जाके देखिएगा मैं क्यों कह रहा हूँ। एंड असूस ज़ेनबुक 14, अगेन वन ऑफ द बेस्ट लैपटॉप्स विद अ ग्रेट डिस्प्ले, ओलेड डिस्प्ले है उसके अंदर, वाओ, एब्सोल्युटली वाओ, 90Hz फास्ट रिफ्रेश रेट है, वो भी जाके वीडियो ज़रूर देखिएगा। एंड दोनों की भी प्राइस, जैसे कहा मोटो एज की अराउंड 30,000 और इसकी जो आई है स्टार्टिंग फ्रॉम अबाउट 80,000, pretty good। वैसे दोस्तों सैमसंग की बारे में बात करते हैं, सैमसंग जी फोल्ड 4 एंड जी फ्लिप 4, इसके जो डिज़ाइंस हैं वो रिवील आ गए हैं, थोड़े रेंडर्स वगैरह आ गए। और अगर मैं बात करूँ तो थोड़ा छोटा लग रहा है, इनफैक्ट कुछ मिलीमीटर से छोटा है, एंड ज़्यादा स्क्वेयरिश लग रहा है, साइड जो है वो ज़्यादा फ्लैट हो गए हैं मेरे हिसाब से। अगर मैं डिस्प्ले के बारे में बात करूँ तो आउटर डिस्प्ले जो है 6.2 इंच का कवर डिस्प्ले है एंड 7.2 इंच का इंटरनल डिस्प्ले आता है। कैमरा मॉडल जो है जो वो S22 अल्ट्रा जो है उसी के जैसे दिखने को। अगर जी फ्लिप 3 के बारे में बात करूँ तो थोड़े से चेंजेस है डायमेंशन में, बट लुक्स नियरली सिमिलर, अगेन स्लाइटली मोर बॉक्सियर। वैसे 6.7 इंच का डिस्प्ले आने वाला है इसके अंदर, जो अंदर का है। वैसे दोस्तों आपको चिपसेट्स के बारे में बता दूं जो आ रहे हैं, क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 7 Gen 1 एंड 8 Gen 1 Plus, ये दोनों भी May 20th को लॉन्च होने वाले हैं, तो ज़्यादा दूर नहीं, अगले एक हफ्ते में पता चल जाएंगे डिटेल्स, जैसे ही आते हैं सब डिटेल्स आपको ज़रूर बताएंगे। वैसे दोस्तों ओप्पो रेनो 8 सीरीज़ के बारे में बताया था, उसमें और एक फ़ोन आ रहा है ओप्पो रेनो 8 प्रो प्लस। अब प्रो प्लस अल्ट्रा बीटा सब आ रहे हैं, इसके स्पेक्स भी आ गए हैं, जी हाँ। अगर स्पेक्स के बारे में बात करूँ तो 6.7 इंच की 120Hz OLED स्क्रीन आती है, डायमेंसिटी 8100 मैक्स इस प्रोसेसर पे आता है, मैक्स है लेकिन इट इज जस्ट मार्केटिंग जागन। 50MP के ट्रिपल कैमरा सेटअप है एंड 4500mAh की बैटरी है विथ 80W चार्जिंग। अब आने दीजिए, बट बहुत सिमिलर लग रहा है OnePlus 10R, GT Neo 3, वैसे ही कुछ स्पेक्स है, तो उसे भी रीब्रांड करके रेनो 8 प्रो प्लस के नाम से लेके आएंगे, लग तो ऐसे ही रहा है। वैसे दोस्तों OnePlus Nord 2T जो है वो May 19th को लॉन्च होने वाला है, यस, ये ऑफिशियली कंफर्म कर दिया है OnePlus ने। सो OnePlus Nord 2T कमिंग वेरी वेरी सून, इनफैक्ट व्हाट, 4-5 दिनों में। अगर स्पेक्स के बारे में बात करूँ तो 6.43 इंच की 90Hz की AMOLED स्क्रीन है, डायमेंसिटी 1300 प्रोसेसर आता है, 50MP का ट्रिपल कैमरा सेटअप है एंड 4500mAh की बैटरी है, सो वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। बात करते हैं iQOO की, iQOO Neo 6 इज लॉन्चिंग इन इंडिया वेरी वेरी सून, इनफैक्ट उसका पोस्टर वगैरह बाहर आ गया। और अगर स्पेक्स के बारे में बात करूं तो क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 870 प्रोसेसर होने वाला है इसके अंदर, 80W चार्जिंग, 64MP का OIS, ट्रिपल कैमरा सेटअप। फाइनली एपेक्स लेजेंड के बारे में बात करते हैं, एपेक्स लेजेंड मोबाइल, उसकी डेट आ गई है, तो आपको बता दूं May 17th को ये एंड्रॉयड और आईफोन में लॉन्च होने वाला है, सो या वेट फॉर एपेक्स लेजेंड्स मोबाइल। चलिए दोस्तों आज की हमारी ट्रैकिंग टेक न्यूज़ एपिसोड 1348 होती है ख़त्म इधर ही दुबई से। जैसे मैंने बताया, प्लीज़ फीडबैक दीजिए हम कैसे इंप्रूव कर सकते हैं, जो कितने इंटरवल से डालना चाहिए, एवरी ऑल्टरनेट डे, वीक में एक बार, हर रोज़ एक, दिन में दो बार, ज़रूर बताइएगा, क्योंकि व्यूज़ हमें
कम हो रहे हैं एंड वी डोंट लाइक इट. अगर आपको पसंद नहीं है तो हमें भी पसंद नहीं है. चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही. अगले वीडियो तक कीप ट्रैकिंग एंड स्टे सेफ.